हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट इकट्ठी कर ली है जो कि हमारी किचन में ही अवेलेबल है। प्रॉपर तरीके से मेहंदी का घोल कैसे तैयार करें, इसके लिए सबसे पहले गैस ऑन करके किसी भी पैन या बर्तन में लगभग 1.5 से 2 गिलास पानी हम लेंगे। पानी में बॉयल आते ही पानी में सबसे पहले हम वहाँ पर मेथी दाना डालेंगे। 1 चम्मच मेथी दाना डालने के बाद 1 चम्मच हम मंगरेल डालेंगे, जिसको कि कलौंजी भी कहते हैं और ब्लैक सीड भी कहते हैं। ये बालों को बहुत ही बूस्टअप करता है और मेथी दाना बालों को झड़ने से रोकता है और बालों में चमक लाता है। और ये जो कलौंजी है ये बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो 1 चम्मच करीब हम कलौंजी डाल देंगे। यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ, इससे बालों में बहुत ही अच्छी कलर आएगी। यहाँ पर मैं प्याज के थोड़े से छिलके डाल रही हूँ, ये बालों को लंबाई बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, तो ये मैं डाल देती हूँ प्याज के छिलके। इन सबको मिक्स करके और अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए हम उबालेंगे। मैंने लो टू मीडियम रखा है मैंने फ्लेम। ये देखिए, ये 5 मिनट से उबल रहा है और कॉफ़ी ने अपना रंग छोड़ दिया है, काफ़ी अच्छा कलर आया है और मेथी दाने ने भी अपना रंग छोड़ दिया। तो लगभग हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे हमें पकाना है बस। इसके बाद इसे हम गैस को बंद कर देंगे और बंद करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम मेहंदी का घोल तैयार करेंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैं पतंजलि का केश कांति हर्बल मेहंदी यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इसमें बहुत ही सारे इंग्रेडिएंट्स ये सारे मेंशन किए हुए हैं और ये हमारे बालों को काफ़ी मजबूत बनाता है कुदरती रूप से और बालों को बहुत ही अच्छा रंग देता है और बालों को सर में ये ठंडक भी पहुंचाता है, इसलिए मैं ये मेहंदी ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। आप फीना का भी मेहंदी यूज़ कर सकती हैं और जो राजस्थानी मेहंदी आती है आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर जो हम पेड़ से पत्ते वाली मेहंदी तोड़ते हैं उसको भी हम एक बार मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी उसको कैसे यूज़ करना रहता है, जो हम पेड़ से मेहंदी तोड़ के लगाते हैं। तो इसमें मैं अपने बालों के अकॉर्डिंग मैं मेहंदी लूँगी। लगभग ज़्यादा मेरे बाल लंबे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा घने नहीं हैं, तो इतना मेरे बालों में आराम से हो जाएगा। अपने बालों के अकॉर्डिंग आप मेहंदी लीजिए और थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इतना मेहंदी मैं लूँगी अपने पति के लिए। उनके बाल बहुत ही छोटे हैं, वो लगाते तो नहीं है लेकिन मेरे कहने पे वो लगा लेते हैं, तो इतना मैं उनके लिए रखूँगी। ये मुल्तानी मिट्टी है तो पीसी हुई, पहले हम जब यूज करते थे बहुत ही पहले, आज से 8-9 साल पहले, तो मुल्तानी मिट्टी वैसे पत्थर में जो ठोके में आती है वैसी आती थी, आजकल ये पीसी हुई आती है, वैसी मुझे मिल नहीं रही है। वो काफ़ी अच्छी होती है और उसकी सुगंध भी काफ़ी अच्छी होती है। ये मुल्तानी मिट्टी फेस के लिए और बालों के लिए दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छी है और मैंने इसे बहुत लंबे समय तक यूज़ किया है। शादी से पहले मैं काफ़ी यूज़ करती थी मुल्तानी मिट्टी, जिसकी वजह से मेरे फेस और मेरे बाल काफ़ी अच्छे थे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी यूज़ करूँगी। लगभग जितनी मेहंदी आप लीजिए उसका 1/4 आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। और ये सूखी नीम की पत्ती है पीसी हुई, इसको मैंने नीम की पत्तियों को पेड़ से तोड़ के फिर मैंने उसे धो लिया था और धोकर सुखा कर मिक्सर में मैंने चला लिया था। चलाने के बाद मैंने ये नीम की पत्ती पीस ली थी, इसे मैं 1 चम्मच के करीब डालूंगी। अगर सर में कुछ रूसी है या फिर स्काल्प में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाते हैं, काफ़ी फ़ायदा होता है नीम की पत्ती का। 1 चम्मच के करीब मैं इसको भी लूँगी।
पर मैं थोड़ा सा जो मैंने टोनर बनाया हुआ है मेहंदी घोल बनाने के लिए पानी, उसको थोड़ा थोड़ा डाल के मैं ये देखिए अच्छे से, और जो भी ये मेरा ये पानी मेरे पास बचेगा इसका मैं टोनर की तरह बालों में अप्लाई करूँगी। मैंने इसे लगभग अच्छे से मिक्स किया है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हमें गीली नहीं रखनी, नहीं तो बालों में लगाने में बहुत दिक्कत होती है और मैसी होने लगता है, फिर बाल मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी इधर से गिरती है उधर से गिरती है तो काम भी नहीं हो पाता और बहुत गंदा भी लगता है। तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी सूखी ही रखनी है कि आप लगाने के बाद आराम से काम भी कर पाएँ और आपकी मेहंदी भी काम करती रहे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी, चाहे आप सरसों तेल या फिर नारियल का तेल यूज़ कर सकती हैं जिससे आपके बाल रूखे ना हो। तो यहाँ पर मैं लगभग एक चम्मच के करीब मैं ऑयल सरसों का मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से अभी भी मिक्स करूँगी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैंने जो वाटर बनाया है टोनर उसको थोड़ा सा और जल डालूँगी। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए खूब अच्छे से मिक्स करूँगी। मेरा ये पैक मास्क जो हेयर मास्क है बहुत ही अच्छी तरह रेडी हो गया और इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है बिल्कुल भी, इसमें अब और भी पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब मैं इसे रात में भी मोई हूँ तो मुझे इसे रात भर ओवरनाइट के लिए मैं ऐसे ही इसको ढक के छोड़ दूँगी और फिर मैं सुबह अप्लाई करूँगी इसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।